स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार स्पोर्ट यूट्यूब चैनल को और एक ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का सभी ऑफिशियली कॉन्फर्म फॉर्मिंग साइन के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आप सभी को बहुत सारा खिलाड़ी का, बहुत सारा फॉर्मिंग प्लेयर का रूमर्स बताया था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में ये प्लेयर आएगा, वो प्लेयर आएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 फॉर्मिंग साइन ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने कंप्लीट कर चुका है। तो चलिए इन सभी को बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिफेंस में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने कंप्लीट कर लिया है डेनमार्क का खिलाड़ी माइकल जैकबसन को। जी हाँ, माइकल जैकबसन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में ऑफिशियली कॉन्फर्म साइन हो चुका है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने सेंट्रल मिडफील्ड के लिए साइन किया है स्पेन का खिलाड़ी जॉन गास्तानागा को। जी हाँ, जॉन गास्तानागा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में ऑफिशियली साइन हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अपना ऑफिशियल पेज पर यह कॉन्फर्मली ऑफिशियली कर दिया है। आप सभी अगर चेक किया है ऑफिशियल पेज को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का, तो आप सभी को पता चल गया होगा। उसके बाद मिडफील्ड में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने साइन किया है फ्रांस का खिलाड़ी रोमिन फिलिपोटेक्स को। जी हाँ, रोमिन फिलिपोटेक्स इससे पहले फ्रांस का टॉप डिवीजन लीग में खेल रहा था और अभी ये फाइनली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का टीम में शिफ्ट हो चुका है। यह खिलाड़ी राइट मिडफील्ड, लेफ्ट मिडफील्ड और अटैकिंग मिडफील्ड में भी खेल सकता है। और सेंट्रल स्ट्राइकर पोजिशन में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने साइन किया है मैट डर्विशर को। ये खिलाड़ी इंग्लैंड से बिलोंग करता है और ये खिलाड़ी सेंट्रल स्ट्राइकर पोजिशन में खेलता है। इन सभी खिलाड़ी के ऊपर मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है एक एक करके। जॉन गास्तानागा, माइकल जैकबसन, मैट डर्विशर, रोमिन फिलिपोटेक्स, इन चार खिलाड़ी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक स्पेशली वीडियो बनाया है। आप सभी डिस्क्रिप्शन के लिंक के मदद से चेकआउट कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने आप सभी को बताया था कि डेनियल फॉक्स के बारे में, डायलन फॉक्स नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में साइन होने वाला नहीं है क्योंकि उनका मेडिकल टेस्ट फेल हो चुका है और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ उनका फाइनल एग्रीमेंट होने वाला। और लुइस मेसादो का वापसी के बाद भी मैंने किया था, लेकिन लुइस मेसादो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में वापसी करने वाला नहीं है। और अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एक एशियन खिलाड़ी और एक यूरोप का खिलाड़ी के तलाश में है। और कुछ ही दिन बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने इन दोनों खिलाड़ी का भी साइन कंप्लीट करने वाला है। आज के वीडियो में बात इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।